हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी जीवा किचन में। आज हम आपके साथ ब्रेकफास्ट इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ आलू ब्रेड टोस्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, उतनी ही बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आलू ब्रेड टोस्ट हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप भी हमारी वीडियो को देखकर अपने घर में आलू ब्रेड टोस्ट की रेसिपी बना सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जल्द से जल्द दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और ये 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज के बॉइल्ड। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इनको हमने कद्दूकस नहीं करना है, सिंपली हाथों से मैश करना है। और थोड़े से चंक्स मोटे भी रह जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसी के साथ हम हरी मिर्ची कटी हुई ऐड करेंगे, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये धनिया पत्ती डालेंगे हम इसमें, श्रद्धा के अनुसार आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आलू में हमारे सारे मसाले और धनिया पत्ती मिक्स हो सके। इसे बहुत ही अच्छे से मैश करना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब फ्रेंड्स, हम 2 चटनी लेंगे। ये हमारे रेड टमाटो केचप है और ये ग्रीन टमाटो केचप है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ग्रीन चटनी को अपने ब्रेड में स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। इसके बाद हम रेड टमाटो केचप लगाएंगे, इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना हमने। इसे लगाने के बाद आलू ब्रेड टोस्ट का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ब्रेड स्लाइसेस में आलू का मिक्सचर लगाएंगे। अच्छे से आलू का मिक्सचर लगाना है इसमें और इसे दूसरी ब्रेड से ढक देना है, जिससे कि हमारा टोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी स्लाइस में भी हमने ऐसे ही करना है। अच्छे से आलू का भर्ती लगाकर दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढक देना है इसे। इसकी साइड निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स एक तवा लेंगे, इसमें हम ऑयल, घी या बटर कुछ भी लेंगे, उसे हम गरम कर लेंगे अच्छे से। और ब्रेड टोस्ट स्लाइसेस को हम इस पर डाल देंगे। इसी के साथ हम ऊपर से मेल्टेड बटर लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल या घी बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे से हल्का से सिक जाने के बाद हम पलट लेंगे इसको। आप चाहें तो इसे ब्रेड टोस्टर में भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड टोस्टर में भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा और लाजवाब हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे ब्रेड स्लाइसेस।
ये देखिए फ्रेंड्स, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। जितने टेस्टी देखने में लग रहे हैं उतने ही खाने में बहुत ही अच्छे और टेस्टी होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू ब्रेड टोस्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब आप हमें YouTube और Instagram पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी खाइएगा इस तरह से आलू ब्रेड टोस्ट और बताइएगा कि कैसे बने। बाय बाय फ्रेंड्स।